अस्सलामु अलैकुम दोस्तों, रिलीजियस डायरी यूट्यूब चैनल पर खुशामदीद। दोस्तों, अक्सर लोग जुम्मतुल विदा यानी के रमजानुल मुबारक के आखिरी जुम्मे को कजाए उम्री अदा करते हैं और समझते हैं कि इन चंद रकत नमाज से सारी जिंदगी की कजा नमाजें माफ हो जाती हैं, जो कि सरासर गलत फहमी है। इस हवाले से जो रिवायत पेश की जाती है वो भी मनघड़त है। उलमाए अहले सुन्नत के बड़े बड़े अकाबरीन के मुताबिक भी ये बातिल और बदतरीन बिदत है और कजा नमाजें अदा करने का ये तरीका हदीस मुबारक के भी खिलाफ है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमाने आलीशान है कि जो शख्स नमाज भूल गया यानी कि नमाज कजा हो गई तो इसे अदा करे, अदायगी के सिवा नमाज का कोई कफारा नहीं है। आला हजरत इमाम अहमद रजा खान बरेलवी रहमतुल्लाह अलैह से जब इस मुतल्लिक सवाल किया गया तो आपने इरशाद फरमाया, कजा नमाजें अदा करने का जो तरीका इजाद किया गया है यानी कि कजाए उम्री, ये बदतरीन बिद्दत है। इसके मुतल्लिक जो रिवायत है वो मौजू मनघड़त है। ये अमल सख्त ममनू है। आला हजरत रहमतुल्लाह अलैह ने सख्त अल्फाज इस्तेमाल करते हुए फरमाया, इसे दुरुस्त समझने वाला बातिल व मर्दूद है। इस जहालत कबीहा और वाजिया गुमराही के बातिल होने पर तमाम मुसलमानों का इत्तफाक है, सवाए चंद एक के। हवाला फतावा रिजविया जिल्द नंबर 8 सफा 155। दोस्तों, सवाब की नियत से इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ भी जरूर शेयर कीजिएगा। जज़ाकअल्लाहु खैरा।